रेवाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव का चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में चिरंजीव राव ने शहीदी दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया, जिसके बाद उन्होंने गांव चांदावास से चुनावी अभियान की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 10 साल से बीजेपी की सरकार है। बावजूद इसके रेवाड़ी के हालात बद से बदतर हैं, जबकि रेवाड़ी के हर मुद्दे को उन्होंने विधानसभा के पटल पर रखा, बड़ी बेबाकी से रखा। चिरंजीव राव ने यह कहा कि जनता बीजेपी से हिसाब जरूर मांगेगी। मेरी जो लड़ाई है वो मेरे आम जनता, मेरे कार्यकर्ता, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मैंने और नौजवान साथी लड़ रहे हैं। देखिए, अब जो विधायक जो कोसली से रहे हैं उनको तो रेवाड़ी से कोई सरोकार रहा नहीं। आप भी पत्रकार साथी हैं, आपने कभी उनको एक बार भी रेवाड़ी के लिए कोई बात रखते हो सुना तो आप मुझे बता दो, क्या रेवाड़ी की कोई जनता बता दे। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जब पता ही नहीं गाँव के बारे की समस्या, उनको ये नहीं पता होगा कि ये गाँव हमारा हमारी विधानसभा में है भी या नहीं, क्योंकि वो उनका सरोकार नहीं रहा। उन्होंने 5 साल जो काम किया वो भी कोसली में किया और कोसली से भी उनको नकारा गया। तो टिकट तो व्यक्ति की तभी कटती है ना जब उन्होंने अच्छा काम ना किया हो। अगर अच्छा काम किया होता तो उनको कोसली से टिकट मिलती, और अगर वो कोसली से टिकट मांग रहे थे तो उनकी पार्टी को उनको कोसली से टिकट देनी चाहिए थी। देखिए, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार रेवाड़ी के अंदर है, और आप कोई गाड़ी लेते हैं और 10 साल उसकी सर्विस ना करें तो उसकी हालत खराब हो जाती है। 1 साल के अंदर ये तो 10 साल हो गए रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी की दुर्दशा का आज कोई कारण है तो बीजेपी है। 10 साल से सत्ता के अंदर है, इन्होंने क्या किया रेवाड़ी के अंदर? मुझे ये सिर्फ ये बता दे, एक बड़ी परियोजना ये रेवाड़ी विधानसभा के अंदर लाए हो तो पिछले 10 साल के अंदर? देखिए, तुरंत प्रभाव से हम हमारे मेडिकल कॉलेज का काम शुरू करवाएंगे, जिसके लिए हमने जगह देखी हुई है। हमारा जो बस स्टैंड है उसको हम बाहर शिफ्ट करेंगे। हमारा बॉयज कॉलेज नहीं बन पाया, उसका काम हम शुरुआत करवाएंगे। आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। धावड़ा में गंदे पानी की समस्या है, मसानी बराज में आप देखते हैं केमिकल वाटर आ रहा है जिससे हमारा वाटर का स्तर खराब हो रहा है। जल जो हमारे का है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, कैंसर की एक बहुत बीमारी फैल रही है। तो इन सब चीज़ों पर हम काम करें।